सरकार ये व्यवस्था करेगी सभी लोगों को अच्छा भोजन मिले। तो राशन कार्ड भी आप देखिएगा सबसे खराब भोजन देता है उसके जो चावल देता है ना राशन कार्ड में उसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग सेम होने लगती है। राशन कार्ड में अभी सुधार हुआ है उसका भी कारण जानते हैं क्या? डिजिटल मीडिया। अब धाएं देखो ना कैमरा उठाएगा और कहेगा देखिए ये डीलर है, ये कोटेदार है, ये कम नापे है, ये ऐसे नापे है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए सोयाबीन और दाल की व्यवस्था करें, बढ़िया तेल का व्यवस्था करें, चीनी का। पोषाहार की व्यवस्था करेगी सरकार, यह व्यवस्था करेगी सभी लोगों को अच्छा भोजन मिले। सरकार यह व्यवस्था करेगी सभी लोगों को अच्छा भोजन मिले। तो राशन कार्ड पे आप देखिएगा सबसे खराब भोजन देता है उसका जो चावल देता है ना राशन कार्ड में उसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग सेम होने लगती है। हालांकि अभी कुछ सुधार हुआ है राशन कार्ड में, अभी सुधार हुआ है उसका भी कारण जानते हैं क्या? डिजिटल मीडिया। अब धाएं देखो ना कैमरा उठाएगा और कहेगा देखिए ये डीलर है, ये कोटेदार है, ये कम नापे है, ये ऐसे नापे है। तो होता क्या है ना कि लोग भी मतलब दोनों ओर से ईमानदारी झलकनी चाहिए कि अगर कोटेदार है तो लोग को भी देखिएगा ना, घर में 5 आदमी एगो का ब्याह हो गया बहन का तो वो का नमवा इसी में जोड़ ले रहेगा, क्या कि ऊपर भी भात दाल आते रहे यहाँ पर। हाँ डिजिटलाइजेशन हुआ है तो कटने में भी टाइम लगता है, ऐसा थोड़े तुम्हारा आज ब्याह होगा कल कट जाएगा, नहीं कटेगा इतना जल्दी, उसका प्रोसेस होता है नहीं समझी। हाँ बेचारी से पूरा एकदम सब पता करके रखी है यहाँ, भाई सबसे झगड़ा है का जी तुम लोग का हमको लग रहा है जाने से पहले कटवा के जाएगी से काट दो हमारा, नहीं समझ जा गया आगे बढ़े, तुम डिप्रेशन से बाहर निकली नहीं निकल पाएगी आज, आज नहीं निकलेगी वहां पर। हाँ एक दो दिन लगेगा उसको डिप्रेशन में, इतना बड़ा बात हो गया है समझ रहे हो, यूएनओ में इसकी बात जानी चाहिए नहीं ऐसे हमने इसे आदमी रहे तो बीटो कर दे जा पोषाहार की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगा, समझ में गया कि नहीं? पोषाहार की व्यवस्था करने के लिए राशन कार्ड पे होना चाहिए कि दाल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हैं लिखी हुई है उसमें। अरे बाबू हम आपको अभी बोले आप कि आपको न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन व्यवस्था में लिखा है कि ये पोषाहार होना चाहिए, उसको प्रोटीन की पूर्ति के लिए सोयाबीन और दाल की व्यवस्था करें, बढ़िया तेल का व्यवस्था करें, चीनी का, चावल का। लेकिन सरकार के पास ये तो हम आपको बताए थे अर्थशास्त्री केटी शाह ने कहा था ये एक ऐसा चेक है जिसमें सरकार अपनी इच्छा से भुगतान करेगी, सरकार का मन है तो आपको प्रोवाइड कराएगी और सरकार का मन नहीं है तो नहीं कराएगी, क्योंकि मजबूरी भी है, गवर्नमेंट सब बांटिए देगी तो पैसा आएगा कहाँ से। 140 करोड़ लोग हम लोग हैं, छोटा मोटा आबादी तो है नहीं यहाँ पर, और काम करने वाले दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जिन्हें आगे बढ़ना है वो 14-14, 15-15 घंटा काम करेंगे, आई जो कामचोर है सब 8 घंटा ही काम होता है, ये जिस देखना जिस चादर में सोए हैं सब वही घसीट के मरेगा सभी सब, देखना यहाँ पे आई इनकी मेंटेलिटी है, जितना चादर है उतने पैर फैलाओ, घसीट के मर उसी चादर में, पैर फैलाओ ठंडा लगेगा, अगले दिन मेहनत करेगा कि भाई चादर बड़ा करना नहीं तो ठंड से मर जाएंगे यहाँ पर, समझ में आएगी नहीं आएगा? फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं यहाँ पर। आपको लगता है कि नहीं हमारे 4 जोड़ा कपड़ा में हो जाएगा तो 4 जोड़ा पहनो, समझ में आ गई कि नहीं? है कि सुबेरे अलग शाम को अलग, कई कई को देखते हैं सब, आदमी में उस सबके अंदर महिला की आत्मा जाती है। अब मान के चले कि कोई ब्याह फंक्शन पार्टी हुआ नहीं है, कोई किसी महिला को पढ़ने नहीं दिया तो क्या करेगी खाली समय में, कोनो मेहंदी लगाए को पहने दो, वही अगर जॉब उसका रहेगा उसको फुर्सतें नहीं है, तो जिसको नहीं पढ़ने दिया उसकी तो मजबूरी बनती है यहाँ पर, खाली बैठ के टुकु टुकु मुंह ना देखेगा, अरे रोबोट थोड़े है भाई, और कुछ ना कुछ तो करेगी, अब पढ़ने नहीं दिए तो उसी लेवल का काम करेगी। आप ही को अगर घर वाले पढ़ने नहीं देते सर तो आपका किस लेवल का काम रहता, अकलोल बकलोल टाइप का रहता है। तो आदमियों सब में कई को एकदम मेकअप करते रहता है अलगे अलगे डिजाइन का दुनिया भर का। हाँ अब तो हम सैलून में इतना नहीं जाते हैं, यहीं आके बनाना पड़ता है, बुला लेते हैं यहीं पे, क्योंकि अब कौन जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब जाते थे सैलून में ना, आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ऐसा वहां मिलता था सुना, ये वाले यहाँ काटे बराबर नहीं लग रहा है, देखिए तो ना बराबर नहीं लगता, जोर कीजिए छोटा तो मतलब दुनिया में पूरी दुनिया को फुर्सत तुम ही को देखने की, यहाँ है बराबर लग रहा है कि नहीं बराबर, सोचा तू नहीं तेरा तू तुरे बराबर नहीं लग रहा है नहीं जाओ जाया बराबर तुम लोग तो अभी जाते हो देखते हो ऐसे ऐसे नखरा सबका अब है अभी
हरितुरी का। देखे 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 खड़ा हो तो खड़ा 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 ये तुरी कौन बाल काट दिया है तुम्हें जा बाप रे बाप अगुआ भाग जाएगा देख डर लग रहा है जी उसको देख के कहीं कहां से कटवाए उस मॉडल का जानते हो कहां काटते हैं सर सब्जी मंडिया में ना पीढ़ा पे बैठा के जमीन वाले वही जगह कटवाया अब लाइव वालों को दिखाते हम कैसे दिखाएं लेकिन हम तो पोषाहार की व्यवस्था करना है समझ में आगे कि नहीं पोषाहार का व्यवस्था करना है जीवन स्तर को ऊंचा करना है किसे ऊंचा करना है जीवन स्तर को ऊंचा करना है लेकिन सरकार नहीं करेगी तो कुछ कर सकते हैं नहीं क्योंकि न्यायालय नहीं जा सकते नशीली दवाइयों पर रोक लगाना है किसमें रोक लगाना है नशीली दवा पर रोक लगाना है शराब यानी मद्यपान लिखा हुआ मद्यपान मद्यपान मतलब क्या होता है शराब